हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज है 23 अप्रैल 2023 और 23 अप्रैल 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस यानी नेशनल सिविल सर्वेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा यानी 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्वेंट डे मनाया जाता है, ठीक है ना। यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कौन सी बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, गरुण एरोस्पेस जो है एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी विश्व में सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, वेनेजुएला सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। अब वेनेजुएला मैप में कहाँ है? ये है वेनेजुएला, ठीक है ना। बात है वेनेजुएला की, तो इसकी राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो जो है इसके राष्ट्रपति हैं। और करेंसी की बात करेंगे तो वेनेजुएला बोलीवर यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 आयोजित कर रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, बैसाखी महोत्सव 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव आयोजित कर रहा है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में, यानी बी ऑप्शन राइट होगा, बेंगलुरु में पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, जगन मोहन रेड्डी। तो अब जगन मोहन रेड्डी की बात है तो जगन मोहन रेड्डी कहाँ के CM हैं? आंध्र प्रदेश के। अब बात है आंध्र प्रदेश की, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। CM कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नाजिर यहाँ के गवर्नर है। अब बात है ADR, तो ADR की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति केशव महिंद्रा की कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, 99 वर्ष की उम्र में भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति जो थे केशव महिंद्रा जी की 99 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? बी ऑप्शन राइट होगा, कोलकाता शहर में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, चाइना देश में H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है। अब बात है चाइना की, तो ये है मैप में चाइना, ठीक है ना। चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग है यहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत टायर ब्रांड
कौन सा बन गया है? तो सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन सा बन गया है? MRF, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। ये है MRF का लोगो। और MRF यानी MRF का फुल फॉर्म क्या होता है? मद्रास रबर फैक्ट्री, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, ठीक है ना। और इसके फाउंडर कौन है? के एम मैमेन मप्पिलाई, ठीक है ना, इनके फाउंडर हैं MRF, ठीक है ना। MRF जो है दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बना है। अब ये दूसरा बना है तो पहला कौन सा है? पहला आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है कि पहला कौन सा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सुहेलावा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, उत्तर प्रदेश। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अमेरिका होगा, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। अब बात है USA की, तो ये है मैप में USA। USA की कैपिटल क्या है? USA की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। और करेंसी की बात करें तो US डॉलर है यहाँ की करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन 2 दिवसीय इटली के दौर पर गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, पीयूष गोयल जी, हमारे रेलवे मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये हमारे पीयूष गोयल जी जो रेलवे मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, जो 2 दिवसीय इटली के दौर पर गए हैं। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है? आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए नीलम शाह, ऑप्शन बी दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी विमला सिंह, या ऑप्शन डी रानी राजपूत। कौन वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने उस दोस्तों को शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारी इंस्टाग्राम पेज Critical Study 31 व हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।